हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टार्टेड लेसन नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी और न्यू पार्ट पार्ट नंबर 3। तो हम आगे पढ़ के आए, करंट के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। करंट किस से मेजरमेंट होता है, तो ए मीटर से मेजरमेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से मेजरमेंट होता है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी देख ली सब हमने। यहाँ पर सर्किट भी ड्रॉ कर दी कि सर्किट में पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, सीरीज में कनेक्शन कैसे होता है। अभी नाउ द मोस्ट टाइम पे टॉपिक्स ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का स्टेट, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड इज टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड इज टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी कि हम मेटालिक कंडक्टर ड्रॉ करते हैं, तो वायर है, जैसे कि मायर के यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेटालिक वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी कि जिसके अंदर से कितना करंट फ्लो हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। तो अभी उसका मैथमेटिकल स्टेप कैसे लिखेंगे, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के सिंबल क्या है, वी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसको यहाँ पर सिंबल इस तरह से कर सकते हैं कि डायरेक्टली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अभी इसी सिंबल को, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को आपको हटाना है, तो एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। तो वी इज इक्वल टू आई आर। आर यानी क्या होता है, रेसिस्टेंस बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट। यानी कि इस सिंबल को लगाने के लिए आपको एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। तो आर आई यानी कि आपको जानते ही है करंट है, यानी वी यानी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। वी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई यानी करंट, और आर यानी हमारा कॉन्स्टेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस आगे भी आके गया है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में रेसिस्टेंस के बारे में बहुत डीपली जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। उसका स्टेट था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, यानी मेटालिक कंडक्टर को हम कोई कंडक्टर को हम वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक वायर है, तो वायर के दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो हमेशा करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड प्रोवाइडेड इस टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट। यानी एक दूसरा भी यहाँ पर बोला है कि उसके अंदर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस पे हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर करंट के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ कर दें, तो उसके जो बीच के जो टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो गया, स्टेट कॉन्स्टेंट, यानी स्ट्रेट लाइन में हमेशा होना चाहिए। स्ट्रेट ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है। तो उसका जो ग्राफ है उसके अंदर जो टेम्परेचर का ग्राफ है, यानी कि उसकी जो लाइन है वो कैसी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। तो वी वर्सेस आई का ग्राफ है जो ओम्स लॉ में यहाँ पर बोला गया है कि उसके अंदर जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की जो लाइन है वो स्टेट होगी, तभी हम मानेंगे तो उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ मेटालिक कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यानी कि सिंबल हटाने के लिए हमने कॉन्स्टेंट लगा लिया, जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो उसका ये हो गया V इज इक्वल टू, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, V इज इक्वल टू आई आर। आई मीन्स करंट, आर मीन्स रेसिस्टेंस, वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंट, और कॉन्स्टेंट जो यहाँ पर जो एक लाइन बोली थी कि इट इज़ द टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट, उसका यहाँ पर हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया कि वाई एक्सिस पे वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंट है, और एक्स एक्सिस पे करंट का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो उसके बीच में जो टेम्परेचर के यहाँ पर लाइन देख सकते हो, उसकी जो लाइन है वो कैसी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वो था हमारा ओम्स लॉ। अभी हमारे यहाँ पर बात की थी रेसिस्टेंस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस
उसका सिंबल है आर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो। कोई कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज फ्लो होता है यानी कि चार्ज बहता है तब उसको रेसिस्ट मीन्स उसको रोकना यानी उसकी डिरेक्शन चेंज कर देना उसको हम बोलते हैं रेसिस्ट। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि किसी के कंडक्टर के अंदर जो चार्ज बहता है उसको रोकने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं रेसिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं डैट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि कोई कंडक्टर के अंदर चार्ज की जो डिरेक्शन है यानी कि जो फ्लो बहता है उसको अटकाने या रोकने के लिए जो भी हम डिवाइस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। अभी यहाँ पर हमने ओम्स लॉ में पढ़ के गए थे तो V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। अभी हमें रेसिस्टेंस चाहिए तो आर को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो क्या हो जाएगा V के नीचे डिवाइड में हो जाएगा। तो V का वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंट का यहाँ पर V का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट और एम्पियर का क्या होता है करंट का एम्पियर होता है तो V V पर एम्पियर V पर एम्पियर तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओ और ओम का जो सिंबल है वो इस तरह का होता है इसको ओमेगा भी बोल सकते हैं। तो ये था रेसिस्टेंस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि किसी चार्ज को कंडक्टर में रोकने के लिए हम जो भी डिवाइस करते हैं जो भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं रेसिस्टेंस बोलते हैं। ओम्स लॉ में हम पढ़ के आए हैं क्या पढ़ के आए तो ओम्स लॉ में हमने मैथिकल एक्सप्रेशन बनाया था V इज इक्वल टू आई आर। अभी R को हम सब्जेक्ट बनाए थे तो I मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा तो V अपन क्या बनेगा I। V का ऐसा यूनिट है वोल्ट और एम्पियर करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर यानी वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम क्या बोलते हैं ओम बोलते हैं। और जो रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है उसको हम क्या बोलेंगे ओम और ओम की जो यहाँ पर साइन है। अभी द न्यू टॉपिक इज रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या है इट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करंट वेरिंग द रेसिस्टेंस। किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको करंट को कंट्रोल किससे करेगा रेसिस्टेंस के द्वारा जो करता है उसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं रियोस्टेट एक क्या है डिवाइस है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ठीक है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करंट वेयरिंग द रेसिस्टेंस यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप कंट्रोल को करंट किससे द्वारा तो रेसिस्टेंस के द्वारा आप करंट को कंट्रोल करते हो तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं रियोस्टेट बोलते हैं। अभी अनदर टॉपिक इज रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर्स ठीक है। जो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर यानी कंडक्टर का कोई रेसिस्टेंस है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है तो फर्स्ट फैक्टर है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी हम नीचे एक फिगर ड्रॉ करेंगे। दूसरा है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नाउ थर्ड नेचर ऑफ द मटेरियल यानी कंडक्टर का मटेरियल कैसा है उसके ऊपर ये रेसिस्टेंस डिपेंड रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक फिगर ड्रॉ करते हैं कंडक्टर की
ठीक है, ये कंडक्टर की फिगर ड्रॉ कर ली। ए कंडक्टर की मान लेते लेंथ कितनी है एल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस मीन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि क्या होता है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल का सिंबल यही होता है। ठीक है, तो ए जो रेसिस्टेंस है वो कंडक्टर की जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कल है, ठीक है, हमने ये तो जो सर्कल का क्रॉस एरिया है उसको हमने सिंबल दे दिया ए। तो यानी कि जो रेसिस्टेंस है वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स यानी डिवाइड में चला जाएगा, तो ये एरिया के क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। फिर नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी नेचर ऑफ द मटेरियल, तो मैं अभी जो कंडक्टर का जो मटेरियल है यानी इसका जो कंडक्टर है उसमें हमने यूज़ किया सिल्वर, तो जो सिल्वर की जो रेसिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू क्या होती है एकदम लो में चली जाती है, और जैसे कि आप आयरन का कंडक्टर यूज़ करते हो तो उसके अंदर जो रेसिस्टेंस है वो क्या होता है हाई होता है। ठीक है, तो इसके मटेरियल पे भी आपके ऊपर डिपेंड रहता है उसका रेसिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दिस नेट फैक्टर्स, तो किस फैक्टर पे काम करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि लेंथ का भी चेंज, कंडक्टर की लेंथ आप छोटी या बड़ी भी करोगे तो उसके अंदर से रेसिस्टेंस में ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि उसका जो एरिया है कितना छोटा है या बड़ा है उसके ऊपर भी रेसिस्टेंस क्या करता है डिफरेंस बताता है। नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल कंडक्टर का मटेरियल होता है तो हर एक मटेरियल के ऊपर भी उसके ऊपर क्या है डिपेंड रहता है, जैसे ही मटेरियल चेंज होगा तो उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी चेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थे आपके फैक्टर थे, तो रेसिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड्स रहता, तो ये तीन फैक्टर थे, तीनों तीन फैक्टर के बारे में समझा दिया। अभी हमने यहाँ पर देखा है कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर ऑफ लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी यहाँ पर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल निकालते हैं, तो यहाँ पर एक सिंबल लग जाएगा कॉन्स्टेंट एंड रो इंटू एल अपॉन ए, तो इस सिंबल को हम बोलते हैं रो, यानी रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी का सिंबल है, इस सिंबल को हम बोलते हैं रो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने उसको यहाँ पर जो डायरेक्टली रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अपॉन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमने सिंबल निकाल दिया तो उसका यहाँ पर कॉन्स्टेंट लग जाएगा रो, उसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिस्टिविटी, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, कोई मटेरियल है या कोई कंडक्टर है या कोई वायर है, वायर के अंदर कोई भी करंट फ्लो होता है उसको रोकने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं रेसिस्टिविटी बोलते हैं। हम आगे रेसिस्टिविटी में ओम्स लॉ में पढ़ के आए थे कि रेसिस्टेंस था वो आर इज इक्वल टू मैथमेटिकल एक्सप्रेंस मतलब डायरेक्टली इन्वर्सनल टू द कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी हमें रेसिस्टिविटी फाइंड करनी है तो उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ए डिवाइड में उस साइड जाए तो आर के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और जो लेंथ है वो क्या चला जाएगा नीचे, तो आर रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। अभी उसका हम ऐसा यूनिट फाइंड करते हैं, तो आर रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है वो हमें तो मालूम है ओम, और क्रॉस नसल यानी कि सर्कल का ऐसा किस में मेजरमेंट होते हैं मीटर स्क्वेयर, और लेंथ किस में मेजरमेंट होती है मीटर में, एक एक कट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा ओमेगा इंटू ओम इंटू एम। तो जो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट है उसको हम क्या बोलेंगे ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये किसका है कि रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट,
तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए रेसिस्टिविटी? इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट द रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कोई मटेरियल में आप इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए जो भी इस्तेमाल करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रेसिस्टिविटी हमने आगे पढ़ के गया है कि रेसिस्टेंस हमेरा कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द होता है। तो यहाँ पर हमने आगे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बनाया था, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अभी हमें रेसिस्टिविटी फाइंड करनी हो तो उसको सब्जेक्ट बनाया तो ए नीचे डिवाइड में था तो वो आर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और एल कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो एक मैथमेटिकल अभी उसका ऐसा यूनिट फाइंड करते हैं तो आर का ऐसा यूनिट होता है ओम। अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ किस में मेजरमेंट करते हैं? मीटर में। तो मीटर मीटर कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? ओम इंटू मीटर। यानी कि रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या मिला हमें? ओम इंटू मीटर।